Hi students, good afternoon everyone. So students, I'm back here with a new topic. Yes. Okay, so students, just tell me, what is our today's date? Yes, our today's date is 2nd December 2020. And our today's subject is GK. Okay, what is our today's subject? GK. So in this, fruits. Okay, और आज हम GK में पढ़ेंगे fruits के बारे में. So students, आपने तो fruits देखा होगा, even you had it also. Okay, आपने fruits देखा भी है और खाया भी है. Okay, बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमारे हमें विटामिन देते हैं. ओके, और इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ. डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं हमें फ्रूट्स खाने? क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. डॉक्टर ने कभी बोला है आपको वड़ा पाव खाओ? नहीं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? फ्रूट्स खाओ. ओके, वैसे ही आप हम देखते हो, हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो फ्रूट्स हमें दिखते हैं. मम्मा डैडा भी आपके लिए फ्रूट्स लेते होंगे और हमें फ्रूट्स खाना जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, विल रिमूव अब एडमैक्स बुक लेवल ए बुक नंबर 4 फ्रॉम दैट पेज नंबर 32. ये हमारा पेज नंबर 32 है, आपको ये रिमूव करना है. जैसे टीचर ने आपको फ्रूट्स के बारे में पहले ही बताया है, वो है मैंगो, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी. यस, आपको टीचर ने फ्रूट्स के बारे में बताया है. यस, सो वैसे ही आज भी मैं आपको बताऊंगी. न्यू फ्रूट है वो है पाइन एप्पल. विच फ्रूट इज दिस? पाइन एप्पल. सो आप देख सकते हैं पाइन एप्पल. पाइन एप्पल कैसा रहता है? फर्स्ट, पाइन एप्पल कहाँ उगता है? फ्रॉम वेयर इट ग्रो? पाइन एप्पल खेतों में, ऐसे जमीन में उगता है, ऐसे नीचे उसका कोई झाड़ ट्री नहीं रहता. पाइन एप्पल कहाँ ग्रो होता है? फ्रॉम ग्राउंड. ओके, सो पाइन एप्पल आपने देखा है व्हेन यू ईट. सो पाइन एप्पल से हमें क्या मिलता है? फ्रॉम पाइन एप्पल वी गेट विटामिन सी. हमें पाइन एप्पल कहाँ से मिलता है? विटामिन सी से. ओके, पाइन एप्पल से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी. सो इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ. और पाइन एप्पल का कलर कैसा रहता है? ऊपर से हमें ब्राउन दिखेगा. यस, और अंदर येलो, ऑरेंज या ऑरेंज येलोइश रहता है. यस, फिर वो 5 to 8 inches का रहता है और 3 to 4 feet का. यस, और ये ज्यादातर हमें मार्च टू जून के सीजन में दिखेगा. ओके, क्योंकि ये क्या ठंडा रहता है और मार्च के इसमें हमें गर्मी होती है, तो ये ज्यादा करके हमें मार्च टू जून के सीजन में मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या है? पाइन एप्पल. विच फ्रूट इज दिस? पाइन एप्पल. आपको समझा ये कौन सा फ्रूट है? पाइन एप्पल. से लाउडली, पाइन एप्पल. पाइन एप्पल कैसा रहता है? ब्राउन कलर का ऊपर से दिखेगा, लेकिन आपको उसमें जो पीसेस रहते हैं वो है येलो या ऑरेंज या येलो ऑरेंज रहता है. यस, ओके. Now the next one is grapes. It is also good for our health. जो grapes है वो भी हमारे health के लिए बहुत अच्छा है. उससे भी हमें vitamin C मिलता है, nutrients मिलता है, protein मिलता है. Okay, और जो grapes रहता है वो ground में नहीं, उसका एक छोटा सा झाड़ आता है, tree आता है, जिसे हम plant बोल सकते हैं, plant आता है, उससे हमें grapes मिलता है. ओके, इवन जो ग्रेप्स रहता है, जब हम ग्रेप्स खाते हैं, जो हमारा ब्लड रहता है वो, उसका सर्कुलेशन जो रहता है वो
प्रॉपर रहता है। सो जब भी हम ग्रेप्स खाते हैं तो हमें हमारा जो खून रहता है, जो ब्लड रहता है, वो अच्छे से सर्कुलेशन करना स्टार्ट करता है। सो जब अगर हमें खून की कमी है या बॉडी में ब्लड नहीं है तो हमें क्या खाना चाहिए, ग्रेप्स। व्हाट वी हैव टू ईट? ग्रेप्स। व्हाट इज दिस? ग्रेप्स। व्हिच फ्रूट इज दिस? Yes, it is grapes. Just tell me which fruit is this? Pineapple. And this one? Grapes. Now the next one is watermelon. Okay, bachcho, watermelon kis kis ko pasand hai? Mujhe bataiye. Yes, are wah, mujhe bhi bahut pasand hai. Okay, so watermelon, aap dekh sakte hain, jab garmi ka season rehta hai, when it is summer season. जब रहता है मींस गर्मी का सीजन, उस समय ये वाटरमेलन हमें दिखेगा। वाटरमेलन जो होता है वो भी ग्राउंड से आता है, ओके। और उसमें भी विटामिन ए है, विटामिन बी सिक्स है एंड विटामिन सी है। हमें से क्या क्या मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन सी, ओके। सो वाटरमेलन खाना भी बहुत अच्छा है। जब हम वाटरमेलन खाते हैं सो उसका जो ऊपर का लेयर रहता है वो है ग्रीन एंड डार्क ग्रीन जैसा रहता है, लेकिन जब हम उसे कट करते हैं सो उसके अंदर रेड रहता है, रेड कलर का पीस रहता है और प्लस ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं। यस स्टूडेंट्स, सो वैसे ही ये है वाटरमेलन, ओके। और वाटरमेलन जितना खाओगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी रहता है जिसे हम खाकर हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है, वाटर की कमी नहीं होती है। सो उसे आप खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, व्हिच फ्रूट इज दिस? से लाउडली। मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ? ताकि आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट से हमें क्या मिलता है और फ्रूट खाने से हमें हमारी बॉडी को जो कमी रहती है वो कैसे पूरी होती है। इसलिए मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको ये खाना जरूरी है। सो व्हाट, व्हिच फ्रूट इज दिस? यस, इट इज वाटरमेलन। व्हिच फ्रूट इज दिस स्टूडेंट्स? यस, से लाउडली। यस, watermelon, okay. Now the next one is orange. Which fruit is this? Orange. So orange से हमें क्या मिलता है? Vitamin C. आपने कभी orange की गोलियां खाई है? Tablets जो होती है, yes, वो हमारे vitamin C को बढ़ाने के लिए जो वो गोलियां वो टैबलेट्स बनाई होती है, ताकि हम ऑरेंज नहीं खा सकते, सो वी कैन कैरी इट एंड वी कैन ईट इट। सो वैसे ही अगर इट इज बेटर टू ईट ऑरेंज, हमें क्या खाना चाहिए? हमेशा ऑरेंज खाना चाहिए। और जो ऑरेंज होता है वो होता है ट्री पे, वो ऑरेंज ग्राउंड से नहीं होता। ग्राउंड से क्या होता है? पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन। वैसे ही ऑरेंज क्या होता है? ट्री पे आता है, ओके। और ऑरेंज का जो शेल रहता है, जो कवर रहता है, वो ऑरेंज होता है। जो हम कलर बोलते हैं ऑरेंज, वो कहाँ से आया है? हमें फ्रूट को देखकर वो कलर आया है ऑरेंज, ओके। सो जो कलर उसका जो कवर है वो एकदम थिक रहता है, यस, जड़ा रहता है, ताकि हमारा ऑरेंज कभी खराब ना हो, यस। उसके लिए वो ऑरेंज का कवर रहता है और उसके अंदर के जो पेटल्स रहते हैं, जो सेगमेंट बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? अंदर के जो पीसेस रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट्स। वो जो होते हैं वो टैन होते हैं, ऑलमोस्ट टैन होते हैं, लेकिन कभी कभार 11 या उससे कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट टैन तो रहते ही है, ओके। और जब हम ऑरेंज खाते हैं तो उसके वन वन सेगमेंट में क्या रहता है? पिप्स। पिप्स किसको बोलते हैं? जो उसकी सीड्स रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पिप्स, ओके। और ये जो ऑरेंज है वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें शुगर नहीं है, ओके। स्टूडेंट्स, आप सबको समझा? मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी
ताकि हम जान सके कि हम फ्रूट क्यों खाए और कैसे खाए। यस, ताकि जब हम फ्रूट खाए तो हम भी स्ट्रांग रहे। यस स्टूडेंट्स, आप सबको समझा? ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दिस वन इज पाइनएप्पल। से लाउडली, पाइनएप्पल। दिस वन ग्रेप्स, दिस वन ऑरेंज, दिस वन वाटरमेलन। सो स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी विच वन इज दिस पाइनएप्पल। अगेन से लाउडली पाइनएप्पल, लाउडली पाइनएप्पल। यस, दिस वन ग्रेप्स, से लाउडली ग्रेप्स। यस अगेन लाउडली ग्रेप्स। ओके, दिस वन वाटरमेलन, से लाउडली वाटरमेलन। अगेन से लाउडली वाटरमेलन। यस, दिस वन ऑरेंज। विच फ्रूट इज दिस? इट इज ऑरेंज। ओके, सो विच टॉपिक वी आर डूइंग? फ्रूट्स। वी हैव टू से फर्स्ट फ्रूट्स। हम पहले क्या बोलेंगे? कुछ भी, मैंने पहले ही बोला है आपको, जब भी हम पढ़ेंगे हम जो टॉपिक रहता है उसका नाम बोलेंगे। सो वैसे ही आपको नाम बोलना है। विच टॉपिक वी आर रीडिंग? यस फ्रूट्स। से लाउडली फ्रूट्स। यस, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस। पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस। से लाउडली पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस। अगेन लाउडली पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस। ओके, से लाउडली अगेन फ्रूट्स, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस। ओके, सो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट अगेन फ्रूट्स। मैंगो, विच फ्रूट इज दिस? मैंगो, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंज। अगेन लाउडली फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंज। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर इज वन क्वेश्चन, विच फ्रूट इज अवर नेशनल फ्रूट? हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। विच इज अवर नेशनल फ्रूट? मैंगो। जैसे ही जंगल का किंग होता है, वैसे फ्रूट्स का किंग कौन है इन अवर नेशनल? विच वन इज किंग? यस, विच वन? मैंगो। से लाउडली, मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। से लाउडली, विच फ्रूट इज अवर नेशनल फ्रूट? सो यू हैव टू आंसर इट, मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। ओके, मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन स्टार्ट फ्रूट्स। फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंज।
अगेन लवली फ्रूट्स मैंगो एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल ग्रेप्स वाटरमेलन ऑरेंज ओके सो स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी वेयर इज मैंगो यस इट इज मैंगो वेयर इज पाइनएप्पल कीप योर फिंगर ऑन योर पाइनएप्पल यस दिस वन इज पाइनएप्पल नाउ वेयर इज बनाना शो मी कीप योर फिंगर ऑन द बनाना यस दिस बनाना नाउ वेयर इज वाटरमेलन यस इट इज वाटरमेलन वेयर इज एप्पल यस कीप योर फिंगर ऑन एप्पल गुड नाउ वेयर इज ऑरेंज यस दिस वन इज ऑरेंज ओके वेयर इज स्ट्रॉबेरी कीप योर फिंगर ऑन योर स्ट्रॉबेरी यस दिस वन इज स्ट्रॉबेरी नाउ वेयर इज ग्रेप्स यस इट इज ग्रेप्स सो स्टूडेंट्स यू कैन आइडेंटिफाई द फ्रूट्स आप फ्रूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो यस गुड सो आपको ऐसे ही रिवाइज करते रहना है और पेरेंट्स आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है आपको जो भी बच्चों को हम लोग ने स्टोरी पढ़ाया है जितना स्टोरी पढ़ाया है फ्रॉम पेज नंबर 44 जो भी हमारा वन पैरा है फ्रॉम वन डे टू हिज पेज यहाँ तक आपको बच्चों की प्रैक्टिस करवाना है और जब ओरल होगा जैसे आपको टीचर बोलेंगे वैसे आपको वीडियो सेंड करना है ओके आपको प्रैक्टिस करवाते रहना है और पोयम के लिए आपको टेडी बेयर का जो पोयम हमने सिखाया है टीचर ने सिखाया वो आपको बच्चों को रिवाइज कराते रहना है पढ़ाते रहना है उनकी प्रैक्टिस लेते रहना है ओके वैसे ही जैसे हम स्टोरी का और पोयम का एग्जाम हुआ था वैसे आपको जो टेस्ट होगा उसमें आपको बच्चों का वीडियो बनाना है और सेंड करना है ओके आपको और कोई वीडियो नहीं और कोई स्टोरी नहीं और कोई पोयम नहीं सिर्फ पोयम टेडी बेयर और स्टोरी जो पेज नंबर 44 पे है लेवल ए बुक में बुक नंबर 4 में वो आपको स्टोरी का जो वन पैरा है टीचर ने आपको हमने सिखाया है वो आपको करवाना है बच्चों से प्रैक्टिस ओके वैसे ही जो आपको जब बताया जाएगा तब आपको वीडियोस को सेंड करना है ओके पेरेंट्स चलो बच्चों बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे गुड बाय